आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस वक्त हम यहाँ वादिये गुरेज के तुलेल के एरिया में है। ये एक सारा बहुत पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ जो है अधिकांश ये पहाड़ बर्फ से ढके रहते हैं। इस तुलेल के एरिया में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो चुनाव है वो देखते ही बनता है। जनाब वजीर मोहम्मद खान साहब और यहाँ के डीडीसी के भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर हैं राजा एजाज साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नसीर लोन साहब, यहाँ के पंचीज सरपंचीज ने जिस तरीके से इस एरिया में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दी है, डीडीसी के चुनावों में कश्मीर घाटी से जो पहला डीडीसी मेंबर जिसकी घोषणा हुई थी वो तुलेल से बीजेपी के मैंडेट पर राजा एजाज साहब जीते थे। मैं आज गुरेज के, तुलेल के, डाबर के और पख्तूर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस सारे एरिया में बहुत जबरदस्त मजबूती दी है और ये इनका जज्बा देखते हुए, इनका जोश और जुनून को मैं सलूट करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि वादिये कश्मीर में जो कमल का फूल आने वाले दिनों में असेंबली इलेक्शंस में खिलने वाला है और जो मिशन 50 प्लस जो भारतीय जनता पार्टी का मिशन है कि अब की बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी 50 के बाद अर्थात जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनेगी, यहाँ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा और यकीनन कश्मीर का पहला कमल का फूल इस वादिये गुरेज से खिलेगा और यकीनन यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।